कोरोना काल के कठिन समय में इंदौर के कई हॉस्पिटलों में सराहनीय काम हो रहे हैं। हम बात कर रहे हैं इंडेक्स मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर की। दरअसल राधा स्वामी कोविड सेंटर में इंडेक्स मेडिकल कॉलेज का हेल्थ स्टाफ लगातार अपनी सेवाएं दे रहा है। 24 घंटे डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ राधा स्वामी कोविड केयर सेंटर में भर्ती मरीजों की सेवा में लगे हुए हैं। कॉलेज के एसोसिएट डायरेक्टर आरसी यादव ने सभी मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए अपनी टीम का हौसला बढ़ाया। वहीं वैक्सीन की नोडल अधिकारी डॉक्टर दीप्ति सिंह हाड़ा ने बताया कि इस मुश्किल वक्त में इंडेक्स मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के कर्मचारियों की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर हड़ताल पे चले गए हैं, तो यहाँ पे व्यवस्था पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गई। इसके कारण हमारे सर चेयरमैन सर ने सुरेश सिंह भदौरिया जी ने हमें बताया और यहाँ पे हमारी ड्यूटी लगाई गई, जिससे हमने यहाँ का जो है व्यवस्था संभाली और इसका फ़ायदा मरीजों को मिला। हम यही आगे भी यह आशा करते हैं कि इंदौर के जो है जनता इस महामारी से बची रहे और आगे भी खुशी से जीवन व्यतीत करें। कल अचानक ही यहाँ पर जो आयुष डॉक्टर हैं उन लोगों ने काफ़ी माहौल बना दिया और हड़ताल पर चले गए, इसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी परेशानी हुई, मरीजों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी। लेकिन तुरंत ही कलेक्टर साहब ने आदेश जारी किया और इंडेक्स मेडिकल ने पूरी मदद की और अपनी पूरी डॉक्टर्स की और नर्सिंग स्टाफ्स की टीम को यहाँ भेजा और सारी सुविधाओं को सुचारू रूप से चालू किया और हम लगातार